हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, अभी मैंने सुबह से मैंने स्टार्ट कर दिया है ब्लॉग और अभी बज रहे हैं शायद 10:30 और अभी देखिए लंच में क्या बनाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मेरा जो स्नान पूजा जब कुछ सुबह के जो काम होते हैं वो हो गए हैं। और सुबह मतलब समझ ही सकते हो कि सुबह कितना काम होता है। और आज लंच में क्या बनाएंगे, देखिए ये छोटा वाला फिश मंगाए हैं, छोटा है, इससे भी छोटा वाला मुझे आज लाना था। और ये है मछली का माथा, हाँ, तो इसका क्या बनाएंगे देखते हैं, सोच रही हूँ कुछ बनाएंगे। तो जो इधर देखिए ये सब्जी काट के रखा है, पूई साग होता है ना, पूई साग, आलू, बैंगन और पम्पकिन, उसको एक साथ मिला के काट के रखा है, तो उसका एक सब्जी बनेगा। और वो बैंगन काट के रखा है, नीम बैगन बनाएंगे, तो उसी के लिए सब कुछ अरेंज करके रख लिए हैं कि लंच में क्या क्या बनाना है। तो सोचा तो था कि उससे भी छोटा वाला फिश मंगाना था, तो वो नहीं मिला बाज़ार में, तो यही मंगाया और यही आज सोचे कि बना देंगे, क्योंकि अभी छोटा वाला फिश ही मतलब सभी को पसंद है। और ये देखिए लहसुन भिगो के रखा है, लहसुन को अभी छील के और उसको पीसना है, क्योंकि इसके भी मसाले की ज़रूरत पड़ेगी मुझे बनाने में, खाना बनाने के लिए। तो सब कुछ तो तैयारी कर लिए हैं, वही मैं बोल रही थी। तो लंच में चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर देखिए धो लिया है मछली को अच्छी तरह से, और इसको फिश के माथा को भी अच्छी तरह से धो लिया है, और इसको नमक और हल्दी लगा के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। और इसको करते करते मुझे मतलब जाना पड़ा सासू माँ के पास, क्योंकि वो मैं आप दिखाऊंगी मैं आपको। नमक हल्दी पहले लगा लेते हैं। और धोकर नमक हल्दी, मछली अगर बाज़ार से मंगाए ना तो नमक हल्दी लगा के रख देने से अच्छा होता है तुरंत, तो उससे अच्छा रहता है फिश, चाहे आप आधे घंटे के बाद खाना बनाओ या तुरंत बनाओ, लेकिन नमक हल्दी लगा के रख देने से अच्छा रहता है। तो देखिए मैंने नमक और हल्दी लगा के रख दिया। तो इधर देखिए मुझे उसके बाद तुरंत जाना पड़ा सासू माँ के पास, क्योंकि उनको बाथरूम जाना था। तो दरअसल थोड़ा सा उनको उठाना मतलब करना होता है, क्योंकि खुद से नहीं उठ पाती हैं। थोड़ा सा बोला था ना पहले वीडियो में कि पैर में थोड़ा लग गया है, तो थोड़ा चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, तो वही मैं करने गई। तो देखिए उधर से आने के बाद, और देखिए खाना बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो जैसा कि मैंने कहा कि इधर मैं बैगन को फ्राई कर लेते हैं नीम बैगन के लिए। तो मेरी सासू माँ की मतलब तबीयत थोड़ा सा ऐसी अभी है, फिलहाल ठीक हो जाएगा, दवा चल रही है, डॉक्टर को दिखाया गया है, तो मतलब उनको थोड़ा सा उठाकर सब कुछ करना होता है। तो जैसे कि अभी मैं खाना बना रही हूँ, तो खाना बनाने के बाद फिर जाएंगे उनको खाना देने, जो भी उनका काम होता है वो सारे करने होते हैं। अभी उम्र हो गई है ना, तो ठीक हो जाएगा, पर अभी ऐसे ही हैं, ठीक हो जाएंगी। इधर देखिए थोड़ा सा मतलब दाल को तड़का लगा लेते हैं। और जब उम्र हो जाती है ना इंसान की, तो ऐसा तो हो ही जाता है, बस थोड़ा सा उनको सेवा और जतन की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे ही सेवा और जतन मिल जाएगा थोड़ा सा, तो वह ठीक हो जाते हैं। तो थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा सेवा की ज़रूरत होती है उनको। तो देखिए इधर मैंने जीरा और सूखी लाल मिर्च और हींग डाल दिया, और दाल को तड़का लगा लेंगे। इसका कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रहे हैं, मैं सब सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि दाल को तड़का या फिर ये सब किसी नहीं आता, सभी को आता है। तो दाल को थोड़ा मैं पतला ही बनाऊंगी, क्योंकि मेरे सासू माँ को भी और ससुर जी दो सभी को पतला दाल ही मतलब खाना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं खाना। तो इधर देखिए इधर मतलब कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला और सूखी लाल मिर्च और 5 फोड़न डालेंगे। और ये जो सब्जी मैंने काट के रखा है, ये पूई साग है, पम्पकिन है, आलू है, बैंगन है। पम्पकिन को शायद हिंदी में कोहरा कहते होंगे, पता नहीं, अगर है तो, अगर नहीं गलत बोल रही हूँ तो माफ़ करना। तो ये मैंने इसमें डाल दिया, सबको एक साथ काट के रखा है। और उसमें नमक और हल्दी डाल देंगे इसमें, और धनिया जीरा पाउडर जो मैंने रोस्ट करके रखा है, वो रोस्ट करके पीस के रखा है, उसको इसमें 1 चम्मच मैंने डाल दिया। उसके बाद इसमें पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि जो पूई साग होता है ना वो उसमें मॉइस्चर होता है, अपने आप पानी निकलेगा और उसी से सारा बॉयल हो जाएगा। तो इसको मैंने
मैं एक तरफ कर दिया और फिर इधर कढ़ाई पर मैंने दो बड़े चम्मच, दो नहीं कहूँगी इससे ज़्यादा ही मैंने तेल लिया, क्योंकि मुझे मछली का जो माथा है ना उसको फ्राई करना है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही तेल लिया। तो इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, इसी को डालकर उस सब्जी को बनाएंगे जो मैंने अभी सब्जी बना रही हूँ, पुई साग वाली जो सब्जी बना रही हूँ ये मछली के माथा देकर ही बनाएंगे, तो इसलिए इसको फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह से देखिए इसको फ्राई कर लेते हैं। और बनाना तो और भी बहुत कुछ था, तो आज ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई क्योंकि उतना टाइम नहीं हो पाता है, संभव नहीं हो पाता है, तो आज इतना ही कुछ बनाया था मैंने। तो देखिए ये फ्राई हो गया, तो इसको उठा कर रख लेंगे। और उसी तेल में देखिए जो छोटी वाली जो फिश है उसको भी इसमें फ्राई कर लेंगे। तो इस फिश को भी फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद इसका समझ सोच रहे हैं इसका झाल ही बनाएंगे, क्योंकि जो दाल बनाया है इसलिए इसका कोई मसाला डाल के झोल नहीं बनाएंगे। तो देखिए उधर मेरी सब्जी बन रही है जो मैंने बिठाया था सब्जी को, पुई कुमड़ा वाली सब्जी, और इधर फिश मेरी फ्राई हो रही है। तो दोनों तरफ मैंने बिठा दिया ताकि जल्दी खाना बन जाए, क्योंकि सासू माँ को ससुर जी को मतलब जितना जल्दी हो सके खाना मैं दे ही देती हूँ, 12:30 तक हो जाता है तो अच्छी बात है, तो कभी एक भी बच जाता है तो उनको दवा खानी होती है, तो जल्दी जल्दी जितना संभव होता है जल्दी बना लेते हैं। और तो देखिए मेरे इधर फिश फ्राई हो गया, इसका तो मसाला डाल के आप झोल भी बनाइए तो वो भी अच्छा लगता है, और इसका झाल बनाएंगे तो वो भी सभी को पसंद है। तो देखिए इधर सब्जी बना रहे हैं और उधर फिश मेरी फ्राई हो गई है। इधर देखिए उसी तेल में जिसमें फिश को फ्राई किया था उसी में 5 फोड़न सूखी लाल मिर्च मैंने डाल दी, और इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डाला, और उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे क्योंकि नहीं तो कच्चा स्मेल आएगा लहसुन का। अदरक नहीं डाला क्योंकि हम लोग अदरक नहीं खाते, आप अदरक लहसुन दोनों डाल सकते हो। फिर इसको अच्छी तरह से इसको भून लेंगे, देखिए मैंने लहसुन को अच्छी तरह से भून लिया। उसके बाद इसमें जो फिश का जो माथा मैंने फ्राई करके रखा था ना वो उसको तोड़ के इसमें डाल देंगे, और इसको डाल देंगे इसमें, और उसको अच्छी तरह से मसाले के साथ थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इसमें और कोई और मसाले नहीं डालेंगे, जैसे धनिया जीरा ये सब कुछ भी नहीं डालना है, बस इसी मसाले में इसको अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और फिश के माथा देकर ना कोई भी सब्जी बनाइए बहुत अच्छा लगता है खाने में, जैसे बंदा गोभी भी बनता है। मैंने तो देखिए जो मैंने मसाले के साथ भुना तो उसको इसमें डाल देंगे सब्जी में, और अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे। और खाने में जिनको फिश पसंद है खाना ना उन्हीं को ये अच्छी लगेगी सब्जी। तो ये इस तरह से अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। और ये वाली सब्जी मेरी सासू माँ को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उनको फिश बहुत पसंद है, तो इसीलिए देखिए इसको अच्छी तरह से मिला के अच्छी तरह से बना लेंगे इसको। और खाने में सच में टेस्टी बनी थी, अब देखकर ही समझ सकते हो। और जो माथा थोड़ा सा बड़ा बड़ा है तो उसको मैंने थोड़ा सा बीच बीच में तोड़ दे रही हूँ अच्छी तरह से मैश करने के लिए। तो बस इसी तरह से सब्जी मेरी तैयार हो गई है। इसको मतलब माछेर माथा दिए चौचौड़ी कहते हैं हम लोग, आप इसका कुछ भी सब्जी का नाम रख सकते हो। तो ये सब्जी बन गई मेरी, खाने में भी बहुत टेस्टी थी। और इधर देखिए कढ़ाई पे मैं 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया, सूखी लाल मिर्च ली, 5 फोड़न लेंगे, वो मेरा हाउस हेल्पर है जिससे बात कर रही थी मैं। तो इधर देखिए इधर सरसों और पोस्तों का पेस्ट है ये, मतलब मस्टर्ड और पॉपी सीड्स का,
तो ये जितना बचा था, मतलब 2 बड़े चम्मच जैसे था मेरे पास, मैंने पीस के रखा है, तो वो मैं इसमें डाल देंगे। और उसके बाद इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। इसमें और कोई मसाला नहीं जाता है झाल में। इसके पहले भी वीडियो में मैंने फिश के झाल का रेसिपी मैंने शेयर की है, तो इसमें कोई मसाले नहीं जाते हैं। फिर हरी मिर्च डाला है इसमें मैंने, और टमाटर डाल दिया। इसको थोड़ी देर के लिए मतलब चलाएंगे, भूनना बिल्कुल नहीं है, वैसे थोड़ी देर के लिए चलाएंगे तो उसमें हो जाता है। और थोड़ा सा नमक डाला टेस्ट के लिए, और फिर बस देखिए थोड़ी देर ही चलाया तो तेल छोड़ दिए मसालों ने। उसके बाद मुझे इसमें थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि मुझे इसका झोल नहीं बनाना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला। और बस ये उबल जाएगा पानी, तो उसके बाद इसमें जो फिश फ्राई करके रखा है छोटे वाला, वो इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें चीनी डालेंगे ताकि टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा लगता है खाने में। और देखिए इसको अच्छी तरह से मिला के थोड़ा उबला जाएगा, उसके बाद मछली को इसमें डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए फिश का झाल जब भी बनाए ना, तो ऊपर से थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल आप डाल देंगे ना, तो इससे मतलब बहुत अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है। तो हर देखिए इसमें मैं थोड़ा सा तेल ऊपर से कच्चा सरसों का तेल डाला, और उसको डालने के बाद थोड़ी देर उबालना होता है, थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट। तो देखिएगा उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरह देखिए फिश का झाल मेरा बन के तैयार है। और थोड़ा धनिया पत्ता इसमें डाल देंगे, तो ये देखिए बनके ये भी तैयार हो गया। और ये छोटा वाला फिश ना खाने में बहुत टेस्टी लगता है, अब बहुत टेस्टी था छोटा वाला फिश, बहुत ही अच्छा था। इससे भी छोटा वाला मुझे बनाना था, तो वो कभी मिलेगा तो वो भी बनाएंगे ज़रूर। उसको तो मतलब हम लोग माछे चोचोड़ी बोलते हैं, तो वो अगर मिल जाएगा तो वो भी एक दिन बनाएंगे, तो वो नहीं मिला था तो इसीलिए इसी को बना दिया। तो ये भी बहुत अच्छा था फिश, खाने में बहुत अच्छा था। तो देखिए मेरा बन गया। उधर मैं बात कर रही थी मेरे हाउस हेल्पर से, तो इधर देखिए मेरा बन गया लंच। और अभी नीम बैगुन शायद बनाना बाकी है, नीम बैगुन बनाएंगे। मैं बैगन तो मैंने पहले फ्राई करके रखा है, और उसकी कोई रेसिपी नहीं शेयर करेंगे, इसके पहले भी मैंने बनाया है, आपने देखा होगा। तो वो देखिए वो बनाएंगे। तो इधर मेरा फिश बन के तैयार हो गया। इधर देखिए मैं सामने से आपको दिखाती हूँ, खाने में भी बहुत टेस्टी था, और कोई ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाते हैं, और खाने में भी अच्छा लगता है। तो इधर देखिए मैंने जैसे नीम बैगन का बैगन फ्राई करके रखा है, इधर नीम को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इधर देखिए नीम को अच्छे सूखे इसमें पैन में मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। उसके बाद बैगन के इसमें डाल देंगे, ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल देंगे, बस हो गया। इसके लिए कुछ नहीं, पर खाने में भी टेस्टी और हेल्दी तो होगा ये, तो आप देख ही सकते हो। पर मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, क्योंकि नीम तीता लगता है, अगर बच्चे खा ले तब तो बात ही क्या है भाई, तब तो बहुत अच्छा है उनके लिए, हेल्थ के लिए। पर बच्चे तो खाएंगे नहीं, ये सभी बड़ों के लिए है, बच्चे नहीं खाएंगे। उनको बहुत समझाती हूँ थोड़ा सा नीम खा लो, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, पर सुनते कहाँ हैं आजकल के बच्चे। आजकल के बच्चे को तो हेल्दी खाना नहीं, सब पिज़्ज़ा बर्गर ज़्यादा पसंद होता है। तो लंच मेरा बन गया, तो आप लोगों को देखा मैंने क्या क्या बनाया, मैं आप लोगों को सामने से दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया लंच में। आज ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई, सिर्फ ये है माछे झाल, ये है माछे माथा लेकर एक सब्जी, मेरा देखिए दूध उबल रहा है, और गैस की हालत देखिए अभी। और इधर देखिए ये है दाल, कहीं अच्छा से दिख रहा है कि नहीं देखिए, मैं दिखाती हूँ। ये है दाल, और नीम बैगुन दिखाती है, नीम बैगुन तो आज लंच में ये सब बनाए हैं। और अभी तो मतलब लंच का टाइम होने ही वाला है, तभी खाएंगे। तो देखा मैंने ये सब लंच में बनाया, फिर अभी जब लंच करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो लंच टाइम में मैं आपको मिलती हूँ।
तो इधर मैं आई सासू माँ के पास, देखी उनको खाना देने, तो वही मैं टेबल में उनके लिए खाना रख रही थी, तो इधर कमरे में वो थी तो उनके लिए खाना लेकर आई। तो अभी बोल रही थी कि थोड़ी देर बाद खाएंगे, उनको भूख नहीं लगी है। तो मैंने कहा ठीक है, तो खाना बाद में ही खाना, तब तक मैं उनको कंघी कर दे रही थी, उनके केस मतलब बिखरे हुए थे तो मैंने थोड़ा सा उनका कंघी कर देती हूँ। और सुबह में फिर उसके पहले ही मैं उनको फ्रेश कर दिया था, जो भी थोड़े से स्नान थोड़ा सा मैंने उनको करा दिया था, तभी थोड़ा सा उनको कंघी कर देते हैं, थोड़ा सा फ्रेश कर देते हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो देखिए ये जो उम्र है ना, सभी की ज़िंदगी में आएगा, हमारे भी ज़िंदगी में आएंगे। आज हम लोग ठीक हैं, कल हम लोग भी बूढ़े होंगे, तो जैसा आज हम लोग करेंगे ना, कल वो हमें वापस ज़रूर मिलेगा। आज हम अगर सेवा करेंगे तो एक दिन हमें भी सेवा मिलेगी। तो होता है ना, सबके साथ होगा, सब कुछ ज़िंदगी में वापस आता है, सबके ज़िंदगी में सभी कुछ जो भी जैसा करेंगे वो वापस ज़रूर आएगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो देखिए बस इधर मैं अपने सासू माँ को फ्रेश करके फिर उनको खाना दे देंगे, वो खाना खाएंगे। दरअसल इधर उधर की आप लोगों का आवाज़ें ज़रूर आ रही होगी, प्लीज़ इग्नोर कर देना। इधर हमारे इधर बहुत शोरगुल होते हैं, बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कर देना। तो इधर देखिए उनको फ्रेश कर देते हैं और उसके बाद खाना खा लेंगे। और जब उम्र हो जाता है ना, तो तबीयत अगर थोड़ा सा बिगड़ जाए ना तो बिगड़ते ही जाता है, पर डॉक्टर को दिखाया गया है तो अभी दवा चल रही है उनकी, ठीक हो जाएगा, पर थोड़ा सा रेस्ट का ज़रूरत है, थोड़ा जतन का ज़रूरत है, इसीलिए बस डॉक्टर बोले कि ठीक हो जाएगा, बस टाइम से दवा खाना सब कुछ मिलना चाहिए। तो वही देखिए उनको खाना लेकर आए, तो वो खाना खा रही हैं। तो इधर मैं पहले सासू माँ को खाना दे दिया, उसके बाद घर में सभी बाकी को देंगे। तो इधर देखिए सासू माँ खाना खा रही है, उसके बाद घर में बाकी सभी को खाना देने जाएंगे। तो फिलहाल तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, आप लोगों का एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो इधर देखिए बस इसी तरह मतलब दिन जाते हैं, तो हर रोज़ तो बहुत सारे काम होते हैं, तो सब कुछ नहीं दिखा सकते, सारे घर के काम सभी हाउसवाइफ करती हैं। तो इधर जितना हो सके मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कर देना। तो इधर देखिए मैं बाकी सभी को खाना दे रही हूँ, तो इधर देखिए वही मैं दिखा रही हूँ, ये जो सब्जी बनाया था वो है माछेर माथा देकर वो, और उधर माछेर झाल और नीम बैगुन। आज ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई मैं, इतना ही कुछ बना पाई क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाता है, आप लोग तो देख ही सकते हो उतना समय नहीं हो पाता है, तो जितना बना पाई उतना ही आज बनाया है। तो ये आज हमारा लंच, तो ये देखिए ये दाल है, ये अरहर की दाल है, ये छोटा माछ का झाल है, ये नीम बैगुन और ये चौचौड़ी माछेर माथा दिए चौचौड़ी। तो ये आज हमारा लंच, और ये है शाम का वीडियो, शाम को चाय बना रही थी मैं, तो ये लाल चाय बना रही थी, ब्लैक टी, क्योंकि मेरे ससुर जी और सासू माँ दोनों ब्लैक टी पीते हैं, तो वही मैं बना के रख देती हूँ। तो ये होता क्या है कि ससुर जी और सासू बहुत बार चाय पीते हैं, तो मैं उनके अच्छे से बना के और रख देती हूँ फ्लास्क में, तो इससे जब भी मन होता है वो चाय पी लेते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, मैं फिर मिलूंगी आप लोगों से मेरे अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए वीडियो के साथ। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कमेंट ज़रूर करना।